आप सभी को नमस्कार। मैं राहुल तोमर, विन इंडिया इनपुट एक्सपोर्ट कंपनी वियतनाम हनोई से। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था बिजनेस नाम में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कुछ दिनों से मैं काफ़ी नेट पे सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी देख रहा हूँ, लोग बाग अब चाइना से इम्पोर्ट नहीं करके कोई और दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं आइटम्स, जो कि एशियन कंट्री हो और इजी टू इम्पोर्ट हो, गवर्नमेंट सपोर्टेड हो, हमारी और उस देश की गवर्नमेंट के जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो अच्छे हो, उनमें लॉन्ग फ्यूचर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की अश्योरिटी हो। तो इस चीज़ को लेके साथियों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वियतनाम हम कैसे अपने एक चाइना का सब्स्टिट्यूट बन के आ रहा है सामने, और कैसे लोग बाग पसंद कर रहे हैं वियतनाम से चीज़ों को इम्पोर्ट करना, और कितना इजी है यहाँ से चीज़ों को इम्पोर्ट करना, और एवरीथिंग। मैं सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में आपसे बात करूँगा आज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, वियतनाम जो इस समय है, वियतनाम इस समय वर्ल्ड में 16वें नंबर का सबसे पॉपुलर देश बन चुका है, और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। जी हाँ, तीसरे नंबर की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी आज की डेट में मैं बात करूँ तो वियतनाम है। अगर मैं आंकड़ों को लेके बात करता हूँ तो इसका लास्ट ईयर की जो जीडीपी थी वो बाय 8% से ग्रोथ थी उसमें, और मैं बात करूँ चाइना की तो उसकी ग्रोथ बाय 6% से थी। तो साथियों आप लोग जानते ही है कि चाइना से आजकल हर कोई जो भी है चाइना से इम्पोर्ट करना प्रेफर करता भी है और नहीं भी करता है। प्रेफर करता भी है तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट रहता है कि यार अगर मैं अभी चाइना से कुछ डील करूंगा, कल गवर्नमेंट बैन कर देगी, कस्टम परेशान करेगा, ये करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो कहीं ना कहीं इसकी एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए अश्योरिटी है नहीं। बाकी आजकल मार्केट में आपको ही पता है कि कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गई है, हर कोई बंदा कहीं से भी डायरेक्ट जाता है चाइना से कुछ भी परचेज करता है, जिससे कि मार्जिन भी बिल्कुल एकदम फिनिश हो चुका है, कुछ उसमें खासा मार्जिन रहा नहीं है। वियतनाम को आप कैसे अपना सेकंड एक चाइना बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ साथियों। जब से आफ्टर कोविड आपको ही पता है कि वियतनाम और इंडियन गवर्नमेंट आपस में कितना सपोर्टेड रहे हैं, और उन्होंने कैसे कोविड में एक दूसरे की हेल्प करी है, और एक दूसरे को बिजनेस के लिए कैसे सपोर्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल्स में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको बताऊं कि फ़िलहाल ही हाल फिलहाल में 2-3 सालों में वियतनाम को लेके जो एकदम बूम आया एक्सपोर्ट को लेके, उसके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वियतनाम से इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई हैं, वियतनाम से इंडिया कितने सारे वैसल चालू हो गए हैं, जो वैसल बाय सी चाइना से एक महीने में आता है वो वैसल वियतनाम से आप 10 दिन में पहुंचा सकते हैं, इजी टू रीच है। अगर मैं फ्रेट की बात करूँ, फ्रेट भी बहुत कम है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, कोई एक बेनिफिट्स हो जो मैं बताऊँ तो नहीं है। अगर मैं बेनिफिट्स को लेके बात करता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथियों मैं बात करूँ कि इस समय बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़, जो मैं बात करूँ महिंद्रा की, मैं बात करूँ टाटा की, मैं बात करूँ अडानी ग्रुप की, उन्होंने ऑलरेडी वियतनाम में काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी हैं अपनी, काफ़ी जगह अपनी फैक्ट्री प्लांटेशन का काम चालू कर दिया है, और बहुत जल्द वो यहाँ से अपना बिजनेस चालू करेंगे, ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। और मैं बात करूँ कि काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनी, काफ़ी सारी ताइवानी, जैपनीज और कोरियन कंपनी ऑलरेडी वियतनाम से बिजनेस कर रही हैं, बिकॉज वियतनाम से इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करना और वियतनाम से इंडिया से इम्पोर्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दोनों ही एशियन कंट्री है, और इन दोनों एशियन कंट्री में एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसकी लीज़ 50 साल है। जी हाँ, 50 साल तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स है भी तो बहुत कम है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है। यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम में इजी क्लियरेंस है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो वो कम है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से आपकी ड्यूटी में भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं बात करूं आपकी कि हम कैसे यहां पे अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो साथियों मैं यहां पे एक कंपनी रन कर रहा हूं जिसका नाम विन इंडिया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। सो ये हमारी एक सोर्सिंग फर्म है जो आप लोगों को सोर्सिंग करके देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को यहां से स्टार्ट करना है तो हमारी टीम आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके देगी कि आप लोग कैसे क्या है, आप लोगों का एक टूर प्लान कराएगी कि आप लोग वियतनाम आए, वियतनाम आके वियतनाम की मार्केट खुद एक्सप्लोर करें, हम आपको फैक्ट्री विज़िट कराएंगे, कंपनी विज़िट कराएंगे, आपको यहाँ के प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, आपको यहाँ के कैसे काम करता है, क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है, वो सब चीज़ डिटेल्स में बताई जाएगी, जिसके बाद आप
अपना काम यहाँ से इजिली शुरुआत कर सकते हैं। मैं बात करूँ अगर आपकी यहाँ पे कंपनी सेटअप को लेके, तो उसकी सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी और कितने दिन लगेगा, कैसे वर्किंग वीज़ा मिलेगा, एवरीथिंग मैं जिसके बारे में बात करूँ, ये डिटेल्स मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे लिंक में अपनी ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, तो उस पर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों मैं बात करूँ प्रोडक्ट की कि हम क्या क्या प्रोडक्ट किस किस इंडस्ट्री में वियतनाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिससे हम वियतनाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल कर सकते हैं, कपड़े आप कह लीजिए फैशनेबल कपड़े कर सकते हैं जो टेक्सटाइल में आए गए हैं, शूज़ हो गए, टेक्सटाइल हो गया, अपना फर्नीचर हो गया, अपनी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं कॉफ़ी हो गई, कैशियो हो गया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में और भी दे दूंगा कि आप क्या क्या डिटेल्स में कर सकते हैं। और इंडिया से हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉर्न, पीनट्स, ग्रीन बीन्स, सोया बीन्स एंड मिनरल वाटर, मशरूम, मेडिसिंस, राइस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं और आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, तो एक बार आप आके, मैं कहूँगा आपको, सजेस्ट करूँगा कि आप आए विज़िट करें, एक बार फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें आने से पहले। जैसा भी है हमारे प्लान अकॉर्डिंग टू कस्टमर होते हैं कि कस्टमर हमारा किस बेस पे क्या काम कर रहा है, किस फील्ड में है और उसका एक्चुअल में मोटिव क्या है, सो उस फील्ड के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टमर को डिटेल्स बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे आप हर चीज़ अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हुए इसको यहीं पे समाप्त दूंगा। मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल्स में और प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।